नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सीके न्यूज़ चौगामा की आवाज़। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर ग्रामीण भारत बंद को लेकर जनपद मुजफ्फरनगर में किसानों ने खेतों में अपना काम बंद कर ग्रामीण भारत बंद को समर्थन किया। भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने जनपद में दिल्ली देहरादून राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर बागो वाली कट नावला की कोठी जानसठ ब्लॉक में खतौली तिराहा मोरना ब्लॉक पर भोपा पुल चरथावल ब्लॉक में थाना भवन मुजफ्फरनगर रोड पर नहर पुरकाजी ब्लॉक में फलोदा कट शाहपुर ब्लॉक में ब्लॉक पर बुढ़ाना ब्लॉक में बायवाला चौकी पर एवं फुगाना बगरा ब्लॉक में जग्गा हेडी टोल प्लाजा धरना प्रदर्शन और हाईवे जाम किया गया। किसान नेता चौधरी राकेश टिकैत भी कई स्थानों पर किसानों के बीच पहुंचे। भारत बंद, गांव बंद, खेत हड़ताल, किसान लॉकडाउन, इसमें कुछ भी नाम से इसको दे सकते हो। असलियत में ये ग्रामीण भारत बंद है। आज इसमें बहुत सी इंडस्ट्रीज में जो वर्कर है वे काम नहीं कर रहे, किसान खेत में कम जा रहे हैं, जो ग्रामीण बाजार है वो भी बंद है, क्योंकि ये लड़ाई उनकी भी है। आने वाले टाइम पे साप्ताहिक बाजार देश में बंद होंगे, ये योजनाएं चल रही है, जो आने वाले टाइम पे नुकसान बहुत होगा, तो इसमें सभी लोग साथ दे रहे हैं और हम लोग बैठे हुए, कोई हम हाईवे और वो नहीं कर रहे, लेकिन बाजार बहुत जगह ग्रामीण बाजार बंद है। जो लोग भी इसमें समर्थन कर रहे हैं, इसमें सहयोग दे रहे हैं, उनका सबका धन्यवाद। नहीं, यहाँ पे तो लोग जगह जगह बैठे हैं, मुजफ्फरनगर में उसमें जगह जगह लोग बैठे हैं, जो उसके पुराने पॉइंट थे, चाहे वो नावला कोठी हो या रामपुर तिराहे हो, तो जगह लोग बैठे हुए हैं, अपनी बात इकट्ठे होकर कर रहे और किसान खेत में नहीं जा रहे। चौधरी साहब, आपने कहा नहीं, साप्ताहिक बंदी नहीं, साप्ताहिक बंदी ये है कि जो लोग बाजार लगते थे, जो साप्ताहिक बाजार उनको बोलते थे, वो आने वाले टाइम पे भारत सरकार, स्टेट गवर्नमेंट उनको बंद करेगी। धीरे धीरे उनको तंग करना शुरू कर दिया, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनी के मॉल खुलने हैं, तो ये बाजार व्यवस्था है, जो ग्रामीण बाजार व्यवस्था है, इसको चौपट करेंगे। जब भी तो उनको मार्केट भी लगा। किसान आंदोलन टू चल रहा है, बहुत वो गलत है। हरियाणा सरकार के खिलाफ ये आंदोलन अभी था ही नहीं, ये आंदोलन दिल्ली के खिलाफ है। आज जो भारत बंद है वो एसकेएम का है, और अलग अलग तरीके से लोग अपनी बात रख रहे हैं। देश में बहुत किसान संगठन है, कुछ एसकेएम के साथ में है, कुछ नहीं है, लेकिन आज जो है वो ग्रामीण भारत बंद का है। आज कुछ मंडी समिति ने बंद को बिल्कुल समर्थन दिया, उनको बंद करना चाहिए, नहीं तो ये मंडियां भी बंद करेंगे। जैसे बिहार में बाजार समितियां बंद है, बिहार की पूरी मंडी व्यवस्था चौपट है, वो सब बंद करेंगे। पूरे देश के मंडी सेक्टर को खत्म करेंगे, जो एक किसान का मंडी प्लेटफार्म है, उस प्लेटफार्म को तोड़ने का काम करेंगे, मंडियों की जमीन को लीज पे देंगे, और जो सरकार के लोग हैं उनको ये लीज पे देने का काम शुरू करेंगे। 13 महीने अभी कुछ नहीं हुआ, अभी तो सरकार डराने का, धमकाने का उसका काम कर रही है, अभी कोई डिमांड सरकार ने नहीं मानी। तो क्या उम्मीद है सरकार? अभी आंदोलन ये लंबे चलेंगे, बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो सरकार है, मौजूदा सरकार बड़े पूंजीपतियों की सरकार है। अगर ये सरकार बीजेपी की होती तो जरूर बात करती, ये सरकार पूंजीवाद का एक जो निर्माण होना है वो हो रहा है। नहीं, एसकेएम के नहीं, कल वो किसान यूनियन की पंचायत है, और अपना जो निर्णय होगा हम एसकेएम को बता देंगे। यूपी के तो आज भारत बंद में आज शामिल है, और जो भी एसकेएम की कॉल होगी उस पर निर्णय लेगी। ठीक है।